बदलते मौसम में सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। सर्दी में कुछ ज्यादा ही सावधानी रखना आवश्यक है। हवा में गुणवत्ता की कमी एवं बढ़ते प्रदूषण से एलर्जी हो जाती है। आंखों में इन्फेक्शन, गले में खराश व खांसी हो जाती है। ऐसे समय में दवा से ज्यादा खानपान व व्यायाम का विशेष ध्यान रखें। उक्त बात मधुमेह विशेषज्ञ डॉक्टर रजनीश सक्सेना ने लॉयंस क्लब अजमेर पृथ्वीराज द्वारा गुलमोहर कॉलोनी वैशाली नगर स्थित गुलमोहर पार्क में आयोजित निःशुल्क मधुमेह एवं फेफड़ों की क्षमता की निःशुल्क जाँच शिविर में कही। प्रांतीय सभापति प्राचार्य लायन राजेंद्र गांधी ने बताया कि उक्त शिविर अजमेरू डायबिटीज सोसाइटी एवं अरोड़ा संस्थान केंद्र के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम संयोजक लायन राजेश बोरा ने बताया कि शिविर में मधुमेह विशेषज्ञ डॉक्टर रजनीश सक्सेना एवं उनकी प्रशिक्षित एवं अनुभवी टीम ने सेवाएं दी। अजमेरू डायबिटीज सोसाइटी के महासचिव सीपी कटारिया ने बताया कि शिविर में मधुमेह जांच के साथ साथ उक्त रक्तचाप व निम्न रक्तचाप की जांच भी की गई एवं समुचित उपचार व परामर्श दिया गया। शिविर में 86 व्यक्तियों की जांच की गई एवं 31 डायबिटीज के नए रोगियों की पहचान कर चिन्हित किए गए। क्लब सचिव लायन गजेंद्र पंचोली ने बताया कि अस्थमा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूष अरोरा एवं उनकी टीम ने 62 व्यक्तियों की स्पायरोमेट्री जांच कर फेफड़ों की क्षमता की जांच का परामर्श दिया। लुपिन कंपनी के विशेषज्ञ सुनील कुमार ने कंप्यूटरीकृत मशीनों द्वारा व्यक्तियों के फेफड़ों की क्षमता की जांच की। इस अवसर पर संभागीय अध्यक्ष लायन अशोक पंसारी, लायन कैलाश अग्रवाल, लायन आभा गांधी, योगेंद्र टांग, रमेश दाबाई, राजेश यादव, जफर अहमद, रजनीश टांग सहित अन्य मौजूद थे। अंत में गुलमोहर पार्क समिति के अध्यक्ष मिलाप चंद राका ने सभी का आभार व्यक्त किया। अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो स्ट्रेस फ्री लाइफ स्टाइल को अपनाएं। जो आजकल जो पाश्चात्यकरण हो रहा है अपनी जीवन शैली के अंदर खान पान में परिवर्तन हो रहा है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि अपन भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। पुरानी अपने जीवन पद्धति को भूल के हम जो आजकल तम्बाकू, गुटखा या नशे का सेवन करने लगे हैं, अपने नॉन वेजिटेरियन की तरफ जो अपनी नई जीवन नई पीढ़ी जा रही है उसको रोकना चाहिए, जिससे हम भविष्य में होने वाली डायबिटीज को रोक सकें और उनको बचपन से ही हमें फास्ट फूड से दूर रखकर केवल व्यायाम की आदत डालनी चाहिए, जिससे हम शुगर अच्छी कंट्रोल कर सकते हैं और डायबिटीज होने से रोक सकते हैं।